व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जिग्सॉ। दोस्तों, अगर आपको जिग्सॉ के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि जिग्सॉ एक बूढ़े आदमी का नाम है जो कि लोगों को उनके गुनाह की सज़ा देने के लिए उन्हें ट्रैप में फंसाता है। ये ट्रैप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जिग्सॉ उन्हें इन ट्रैप को खोलने का एक मौका देता है, उन्हें अपनी जान बचाने का एक मौका देता है। बट दोस्तों, बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस ट्रैप को खोल पाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर पिछली सौ मूवी में हमें दिखाया गया था कि जिग्सॉ की मौत हो गई है, तो ये फिल्म उसकी मौत के 10 साल बाद की है। वेल गाइज, मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा था। वो भागकर एक छत पे जाता है जहाँ पर उसे एक क्रॉस का निशान मिलता है और वहाँ पर उसे एक रिमोट मिल जाता है। वो ऑफिसर से बोलता है कि मुझे ऑफिसर हेलोरेन से बात करनी है। तब यहाँ पर हम दोस्तों ऑफिसर हेलोरेन को देखते हैं। यहाँ पर इस आदमी का नाम एडगर होता है। एडगर ऑफिसर से बोलता है कि अगर मैंने इस रिमोट को दबाया तो ये गेम ऑन हो जाएगा, ये गेम ज़िंदगी और मौत का है। जिस पर ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सारी बातें तुमसे कौन बुलवा रहा है। एडगर उनकी बात नहीं सुनता और दोस्तों यहाँ पर वो रिमोट दबा देता है, जिसके बाद सभी ऑफिसर उस पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं और एडगर वहीं पर गिर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही एडगर उस रिमोट को दबाता है, किसी दूसरी जगह पर एक मिनट का काउंटडाउन चालू हो जाता है और हम पांच लोग को देखते हैं जिनके सर पर पबजी वाला हेलमेट होता है। ये सभी को समझ नहीं आता कि इनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, इनको क्यों यहाँ पर बांधा गया है। तभी यहाँ पर स्पीकर से एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ होती है जिग्सॉ की, लेकिन जिग्सॉ तो 10 साल पहले मर चुका है। तो वेल दोस्तों, इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। जिग्सॉ बोलता है कि तुम सभी को मुक्ति मिल सकती है अगर तुम अपनी बुरी आदत छोड़ दो। और वो बुरी आदतें हैं जिम्मेदारी ना लेना, झूठ बोलना, जिसकी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। अपना गुनाह कबूल करो, सच तुम्हें आज़ाद कर देगा। जिग्सॉ बोलता है कि अगर तुमने मेरे नियमों को तोड़ने की कोशिश करी तो मारे जाओगे। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। पहले तुम्हें अपना थोड़ा खून देना होगा, उसके बाद ये ग्रीन लाइट तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल देगी। जिग्सॉ बोलता है कि अगर तुमने अपने अंदर की बुराइयों से छुटकारा पा लिया तो ये जंजीरें कम होने लगेंगी। वो बोलता है कि मेरी बात मानो और मुझे खून दो या फिर इसका अंजाम भुगतो। और उसके बाद ही वो जंजीरें इनको खींचना चालू कर देती है और यहाँ पर बड़े बड़े ब्लेड जो लगे होते हैं वो भी घूमना चालू कर देते हैं। ये सभी उस ब्लेड की तरफ खींचना चालू हो जाते हैं, लेकिन तभी एक लड़की को जिग्सॉ की बात याद आती है कि मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। वो अपना हाथ उस ब्लेड पर लगाती है और जिसके बाद उसका हाथ कटते ही उसका पबजी हेलमेट खुल जाता है दोस्तों। और उसके बाद सभी लोग अपना हाथ लगाकर एक एक करके आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद इनके सामने एक डोर खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी होता है जो कि अभी भी बेहोशी की हालत में होता है। जब तक वो होश में आता है वो ब्लेड उसकी जान ले चुका होता है। तो ये चारों लोग एक दूसरे रूम में पहुँचते हैं जहाँ एक CCTV कैमरा लगा होता है। ये सभी लोग अपना नाम बताना चालू कर देते हैं, जिसमें लड़की का नाम ऐना और काली होता है और लड़की का नाम मिच होता है। यहाँ पर ऐना बोलती है कि वो हमसे सच सुनना चाहता है, उसने कहा था कि हमें झूठ बोलने की आदत छोड़नी होगी। सो गाइस, इन लोगों ने ज़रूर कुछ गलत काम किए होंगे जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आए। और अगले दिन हम देखते हैं कि एक लड़की जॉगिंग कर रही होती है, तभी उसे एक आदमी लटका हुआ दिखता है। ये वही आदमी होता है जो कि ब्लेड से कट कर मर चुका था। और उसके बाद जब डॉक्टर उसका हेलमेट निकालते हैं तो उसका आधा फेस कटा हुआ होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। इन लोगों को उसके गले पर जिग्सॉ का साइन मिलता है, जिस पर डॉक्टर बोलती कि ये काम जिग्सॉ का हो सकता है, जो कि बिल्कुल उसी तरह का साइन बना हुआ है। यहाँ पर ऑफिसर बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर हेलोरेन के साथ एक और ऑफिसर होता है जो कि इस केस पर काम कर रहा होता है, जिसका नाम कीथ होता है। तो लोगन और कीथ दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिसके बाद लोगन उस आदमी के गले से एक पेनड्राइव निकालता है जिस पर लिखा होता है कि अब वो 4 बचे हैं। इस पेनड्राइव में जिग्सॉ की आवाज़ होती है, वो बोलता है कि गेम फिर से चालू हो चुका है, जब तक मासूमों के साथ हुए पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। मैं 4 को संभालता हूँ, तुम बाकियों को संभालो। अब हम दोस्तों उस 4 लोगों को देखते हैं जिनके पास एक डॉल आती है। ये जिग्सॉ की बहुत ही फेवरेट डॉल होती है, अगर आपने पहले की मूवीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा। और इस डॉल के गले में एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है कि कन्फेस, मतलब कि जो भी तुमने गलत काम किया है उसके बारे में सच बोलो। इसके बाद इनकी जंजीरें फिर से खींचना चालू हो जाती हैं और सभी एक एक करके अपना गुनाह कबूल करना चालू कर देते हैं। पहले मिच बोलता है कि मैंने एक लड़के को बाइक भेजी थी और थोड़ी देर में उस बाइक का हादसा हो गया, जिसके बाद उस लड़के की मौत हो गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद ऐना बोलती है कि हमारे बच्चे की मौत हो गई थी और इसमें मेरे हस्बैंड की गलती थी, गलती से मेरे बेटे के ऊपर सो गया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये बोलने पर भी इनकी
और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बोलने पर भी इनकी जंजीरें नहीं रुकती, मतलब ये सभी लोग अभी भी कुछ छुपा रहे हैं। अब मिच उस डॉल के हाथ में एक टेप देखता है, जिसके बाद वो उस टेप को उठाता है और जैसे ही वो उस टेप को उठाता है ये जंजीरें निकल जाती हैं, ये आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी वो जंजीरें ऊपर छत से बंधी होती है, जिसे देखकर एना बोलती है कि ओह माय गॉड, वो हमें फांसी देने वाला है। जिसके बाद रायन मिच से बोलता है कि जल्दी से उस टेप को चलाओ, और ये बोलते ही दोस्तों उसके सामने 3 इंजेक्शन आकर गिरते हैं। ये लोग उस टेप को चलाते हैं जिसमें जिक्सा बोलता है कि बात उस एक से होगी जो कि ना सिर्फ झूठा है बल्कि चोर भी है, पर्स छीनने वाला चोर। वो बताता है कि जब तुम सभी बेहोश थे तो एक धोखेबाज को जहर का इंजेक्शन लगाया गया था। तुम्हारे सामने मौजूदा सिरिंज में से एक उस जहर का एंटीडोट है और दूसरे में तेजाब है। सही इंजेक्शन लगाने से जंजीरें खुल जाएंगी और गलत चुनने से तुम सभी मारे जाओगे। जिसके बाद ये सभी एक दूसरे की तरफ देखना चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि वो चोर कौन है जिसकी वजह से उस लेडी की जान गई थी। एना बोलती कि सब लोग अपनी बॉडी पर निशान चेक करो, अगर इंजेक्शन लगाया होगा तो निशान भी ज़रूर होगा। और यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि काली है। रायन वो तीनों इंजेक्शन को निकालता है और काली से बोलता है कि सच बोलो जल्दी, जिस पर काली बोलती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों काली की वजह से उस लेडी की जान गई थी, सो वो जंजीरें फिर से खींचना चालू हो जाती हैं और अब रायन वो तीनों सिरिंज उसमें घुसा देता है, जिसके बाद ही दोस्तों इनकी जंजीरें खुल जाती हैं और हम देखते हैं कि काली के आंख और कान से खून निकलना चालू हो गया है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काली ने मरने से पहले कहा था कि उसकी ज़िंदगी की कीमत $3.50 है, मतलब इतने पैसे उसने उस लेडी से चुराए थे। और यही नंबर वहाँ पर लगे एक लॉक का कॉम्बिनेशन भी होता है। और दूसरी तरफ ऑफिसर उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है कि वो आवाज़ जिक्सॉ से मैच करती है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जिक्सॉ 10 साल पहले मर चुका है, वो कैसे ज़िंदा हो सकता है। और इधर मिच उस दरवाजे को खोल लेता है, ये सभी लोग एक दूसरे रूम में जाते हैं। यहाँ पर एना बार बार बोल रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे बच्चे की जान गई थी, उसकी सज़ा उसे क्यों मिल रही है। और एना उस रात की सच्चाई बताती है कि अगर मेरा हस्बैंड उस रात सोया नहीं होता तो हमारे बच्चे का दम नहीं घुटता और वो मेरी गलती नहीं थी। अब हम यहाँ पर दोस्तों 2 दरवाजे देखते हैं जिस पर लिखा होता है कि नो एग्ज़िट, लेकिन यहाँ पर रायन के अंदर खुजली मचती है और वो उसे खोलने जाने लगता है। आपको याद ही होगा कि जिक्सॉ ने क्या बोला था कि इस गेम का कोई भी रूल कोई भी तोड़ नहीं सकता है, इसलिए जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है फ्लोर टूट जाता है और उसका पैर नीचे वायर में फंस जाता है। एक वायर उसके पैर को जकड़ लेता है और टाइट होने लगता है। ये एक तरह का दोस्तों ट्रैप होता है। और तभी इन्हें वहाँ एक टेप भी मिल जाता है। पहले मिच उस टेप को एक लकड़ी से निकालने लगता है, लेकिन तभी वो लकड़ी टूट जाती है उस वायर के कारण, जिसके बाद मिच बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ डालकर उस टेप को बाहर निकालता है। और जब ये लोग उस टेप को चलाते हैं तो उसमें जिक्सॉ बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि कोई रूल मत तोड़ना, ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। वो बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुमने रूल तोड़ दिया कोई बात नहीं, तुम्हें उस हैंडल को खींचना होगा जिससे कि तुम पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे। अब पूरी तरह से आज़ाद होने का मतलब आप समझ गए होंगे, रायन को अपना पैर गंवाना होगा। अगले सीन में डॉक्टर लोगन को काली की लाश मिलती है, जिस पर सेम नोट होता है और उस पर लिखा होता है कि अब सिर्फ 3 बचे हैं। अब ये लोग उसकी बॉडी को खोलना चालू कर देते हैं, जिसमें कि उन्हें एक और पज़ल मिलता है। यहाँ पर एक अजीब सी बात होती है, यहाँ पर दोनों ऑफिसर को डॉक्टर लोगन और उनकी असिस्टेंट पर शक होने लगता है। उन ऑफिसर का ऐसा सोचना था कि डॉक्टर ही इन सारी चीज़ों के पीछे है। और जिसके बाद हम एना और मिच को देखते हैं जो कि परेशान हो रहे थे कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी यहाँ की लाइट फ्लिकर होती है और एक रूम का डोर खुलता है, ये किसी तरह का चिमनी रूम होता है। जिसके बाद ये लोग उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक टेप लटका हुआ मिलता है। जैसे ही वो उस टेप को खींचते हैं इनके रूम का डोर बंद हो जाता है और जिक्सॉ की वीडियो चलना चालू हो जाती है। वो बोलता है कि आज तक तुमने सिर्फ सभी लोगों से झूठ बोला है, तुमने हमेशा छुपाया है कि तुम कितनी गलतियाँ करते आ रहे हो, तुम कितने घटिया इंसान हो, सिर्फ एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है और वो है रायन। वो बोलता है कि अगर रायन ने तुम्हारे दफन होने से पहले लीवर खींच दिया तो तुम आज़ाद हो जाओगे। अब जिक्सॉ रायन से बोलता है कि रायन इन्हें आज़ाद करने के लिए तुम्हें खुद को आज़ाद करना होगा। ये सुनकर दोस्तों रायन की फट के फ्लावर हो जाती है और ये बोलते ही उस रूम में अनाज गिरना चालू हो जाता है। अनाज के साथ साथ बहुत ही नोकीली चीज़ें गिरती है और इनमें से एक चाकू आकर मिच के कंधे पर लग जाता है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें देखकर अब ना चाहते हुए भी रायन को लीवर खींचना पड़ता है, जिसके बाद उसके पैर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एना और मिच आज़ाद हो जाते हैं
और इस सीन के बाद हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि डॉक्टर की असिस्टेंट जिसका नाम एलेनोर होता है वो उससे पूछताछ करने लगते हैं क्योंकि उनको उस पर शक होता है। जिसके बाद वो डॉक्टर लोगन को भी बताते हैं कि एलेनोर एक वेबसाइट पर बहुत ही रेगुलर जा रही है। ये वेबसाइट जिक्सॉ की होती है जिसमें कि उसके मारने के तरीके बताए होते हैं। इस वजह से ऑफिसर को उनकी असिस्टेंट पर ज़्यादा शक होना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इनके पास कोई सबूत नहीं होता है इसलिए वो उसे पकड़ नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर डॉक्टर लोगन और एलेनोर एक क्लब में मिलते हैं और बात करते हैं कि वो ऑफिसर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद एलेनोर लोगन को एक पुराने घर में ले जाती है और ये घर होता है जिक्सॉ का। यहाँ बहुत ही सारे ट्रैप रखे होते हैं जिसमें जिक्सॉ ने लोगों को मारा करता था। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक ऑफिसर इनकी छुप कर वीडियो बना लेता है। जिसके बाद हम तीनों लोगों को देखते हैं जिसमें कि मिच को एक टेप मिलता है और उस टेप पर उसी का नाम लिखा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। मिच उस टेप को जैसे ही ऑन करता है उसका पैर एक रस्सी में फंसता है और वो लटक जाता है। वो टेप में से आवाज़ आती है कि मिच तुमने अपना पूरा सच नहीं बताया। तुमने एक बाइक बेची थी उसके बदले तुमने $600 लिए थे लेकिन उस बाइक का ब्रेक में खराबी थी। ये बात तुम जानते थे लेकिन फिर भी तुमने उस लड़के को वो बाइक बेची और जिसकी वजह से उस लड़के की जान चले गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा भतीजा था जिसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। यहाँ पर जिक्सॉ बोलता है कि तुम्हारे सामने एक डिवाइस है जिसमें कि उसी बाइक का मोटर लगा हुआ है जिसे तुमने बेचा था उस लड़के को। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो इसका ब्रेक दबाना होगा। और ये बोलते ही वो मशीन ऑन हो जाती है और मिच उसमें जाने लगता है। यहाँ पर एना उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। वो उस बाइक का टायर रोक देती है लेकिन अगले पल ही वो फिर से ऑन हो जाता है और देखते ही देखते दोस्तों मिच की पूरी बॉडी उसके अंदर चली जाती है और वो कट जाती है। और यहाँ पर हम दूसरी साइड ऑफिसर को देखते हैं जिनको पता चलता है कि एडगर कोमा से गायब हो चुका है। उसे किसने गायब किया इन लोगों को पता नहीं होता। और यहाँ पर इधर दूसरा ऑफिसर जिक्सॉ की लाश को निकलवा रहा होता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि जिक्सॉ अभी भी ज़िंदा है। जैसे वो उसके कॉफिन को खोलता है उसमें जिक्सॉ की जगह एडगर की लाश होती है, मतलब किसी ने एडगर को मारकर उसे दफना दिया था जिक्सॉ के कॉफिन में। ये देखकर दोनों ही ऑफिसर अपनी पूरी टीम लेकर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एलेनोर लोगन को ले गई थी। वहाँ पहुँचते ही उन्हें मिच की कटी हुई सड़ी हुई लाश मिलती है जिस पर लिखा होता है कि अब सिर्फ दो बचे हैं। इसके बाद ऑफिसर कीथ लोगन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं जिस पर लोगन बोलता है कि इन सब के पीछे ऑफिसर हेलोरेन का हाथ है, उसी ने एडगर को मारा था और मूवी की शुरुआत में हमने जैसे देखा था। और जिसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑफिसर लोगन की सभी बातों पर यकीन कर लेता है। अब एलेनोर लोगन के पास आती है और बोलती है कि उसे पता चल गया है कि ये गेम कहाँ पर चल रहा है। जिसके बाद ये दोनों लोग निकल जाते हैं उस जगह के लिए। इनके पीछे होता है ऑफिसर हेलोरेन। अब हम यहाँ पर दोस्तों एना और रायन को देखते हैं जो कि एक डोर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एना उस डोर को खोल के दूसरी साइड पहुँच जाती है लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो कि उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है। जब इन दोनों की आँख खुलती है तो ये लोग अपने पैर को चेन से बंधे हुए देखते हैं और इनके सामने खड़ा होता है जिक्सॉ जो कि एक ट्रैप लगा रहा होता है। वेल दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जिक्सॉ ज़िंदा कैसे है, ये हमें आगे पता चलेगा अभी थोड़ी ही देर में। यहाँ पर जिक्सॉ रायन के गुनाह बताना चालू कर देता है, उसने क्या क्या किया था। वो बचपन में बहुत ही लोगों को परेशान करता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहा होता है लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से वो कार का हादसा हो जाता है जिसमें कि तीन लोगों की जान चली जाती है उसके दोस्तों के साथ। जिसके बाद ये सुनकर रायन बोलता है कि वो मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं जीना चाहता हूँ। जिक्सॉ बोलता है कि सभी लोग जीना चाहते हैं। और यहाँ पर जिक्सॉ अपनी कहानी बताता है कि अगर उस दिन उस डॉक्टर ने मेरा एक्सरे गलती से नहीं बदला होता तो मेरा कैंसर बहुत ही पहले पता चल गया होता और मैं ठीक हो जाता, लेकिन उस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मैंने बहुत परेशानी झेली है। जिसके बाद वो एना की सच्चाई बताना चालू करता है। एना ने बताया था कि उसके हस्बैंड की वजह से उसके बच्चे की जान गई थी लेकिन यहाँ पर सच्चाई दोस्तों कुछ और होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन एना का बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था जिसकी आवाज़ सुन सुनकर एना फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसने अपने बच्चे को खुद ही मार दिया था। जिसके बाद उसने अपने बच्चे को अपने हस्बैंड के पास रख दिया और सबको झूठी कहानी बता दी। जिसके बाद उसके हस्बैंड इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद हमें इन दोनों के गुनाह पता चल जाते हैं। अब जिक्सॉ इनको एक गोली दिखाता है और बोलता है कि ये आज़ादी की चाबी है तुम्हारी, मतलब एक आदमी को दूसरे को मानना होगा तभी ये आज़ाद हो पाएंगे। जैसे ही जिक्सॉ यहाँ से बाहर जाता है एना उस बंदूक को उठाती है और रायन की तरफ घुमा देती है और रायन उसे बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये उसकी चाल है। लेकिन एना गोली चला देती है और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही गोली चलती है वो गोली आगे नहीं बल्कि पीछे चल जाती है जिससे कि एना की वही मौत हो जाती है। जब रायन उस बंदूक की गोली को देखता है जिसमें आज़ादी की चाबी होती है, जी हाँ दोस्तों उस बंदूक की गोली में सच में चाबी होती है जो कि इनके ताली की चाबी थी। इसका मतलब जिक्सॉ ने सही बोला था कि तुम्हारी आज़ादी की चाबी इस गोली में। लेकिन इन दोनों ने वो मौका गंवा दिया।
देखते हैं कि लोगन और एलेनोर दोनों उस गेम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जिनके पीछे ऑफिसर भी होता है। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर ऑफिसर हेलोरन को बेहोश कर देता है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने लोगन होता है। यहाँ पर दोनों के गले में एक डिवाइस लगा होता है। इसके बाद वहाँ का स्पीकर ऑन होता है जिसमें से जिक्सॉ की आवाज़ आती है, मुबारक हो तुम दोनों मेरे आखिरी प्लेयर हो। जिक्सॉ बोलता है कि ये डिवाइस में एक लेज़र लगा हुआ है जो कि तुम्हारी पूरे सर को चीर के रख देगा। तुम दोनों वो वजह मान लो जिसके लिए तुम्हें मौत की सज़ा होनी चाहिए थी, जिसके बाद तुम दोनों आज़ाद हो जाओगे। ये सुनते ही वो ऑफिसर चालाकी करता है और लोगन का बटन दबा देता है जिसके बाद उसकी चैन खींचना चालू हो जाती है। यहाँ पर लोगन कॉन्फेस करता है कि वो जो एक्सरे जिक्सॉ का चेंज किया था उस डॉक्टर ने, वो कोई और नहीं बल्कि लोगन था। और ये कन्फेस करने के बाद भी उसका जो लेज़र होता है वो ऑन हो जाता है और उसके सर को वहीं चीर देता है जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद दूसरा वाला बटन ऑन हो जाता है और अब वो ऑफिसर का चेन खींचना चालू हो जाता है, जिसके बाद ऑफिसर अपने गुनाह कबूल करता है। वो बोलता है कि मैंने बहुत बार रिश्वत ली, मेरी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान गई, मैंने कई सारे कैदियों को आज़ाद किया जिन्होंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए थे, जिसके बाद उसका भी लेज़र बंद हो जाता है। और तभी दोस्तों इस मूवी का असली सस्पेंस बाहर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर लोगन जिंदा होते हैं, उनका डिवाइस में कोई लेज़र नहीं लगा होता है बल्कि वो नकली खून होता है जो कि इनके सर पर गिरा था। डॉक्टर लोगन बताते हैं कि इस जगह पर 20 साल पहले एक गेम खेला गया था जो कि जिक्सॉ ने डिज़ाइन किया था, जिस गेम में रायन और एना थी, मतलब वो दोनों 10 साल पहले ही मर चुके थे, तभी उनके साथ जिक्सॉ जिंदा था। यहाँ लोगन बताता है कि उस गेम में मैं भी था क्योंकि मैंने जिक्सॉ का एक्सरे बदल दिया था गलती से, लेकिन बाद में जिक्सॉ को रियलाइज़ हुआ और उसने मुझे बचा लिया। वो बोलता है कि तुम और मैं इस गेम के आखिरी खिलाड़ी हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें एक और सच्चाई पता चलती है कि लोगन की वाइफ की और जिस बंदे ने उसकी वाइफ का कत्ल किया था वो कोई और नहीं बल्कि एडगर था, जिसको कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसको जेल होनी चाहिए थी लेकिन ऑफिसर की गलती की वजह से ऑफिसर ने पैसे ले लिए और जिसकी वजह से उसने उसे छोड़ दिया। सो गाइस, इसका मतलब कि जो लोगन की वाइफ के कत्ल का जिम्मेदार एडगर होता है। जिसके बाद हमें एक और चीज़ पता चलती है कि मूवी की शुरुआत में हमने जो सीन देखा था, एडगर के सीने पर जो गोली चलाई गई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि लोगन ने चलाई थी, किसी ऑफिसर ने गोली नहीं चलाई थी क्योंकि वो अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता था। और जिसके बाद लोगन अब जिक्सॉ का काम आगे बढ़ाएगा। सो गाइज, वो हेलोरिन का जो लेज़र होता है उसको ऑन कर देता है, जिसके बाद उसका सर पूरी तरह से कट जाता है। बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल गाइज, आपको मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।